प्रधानमंत्री की शुद्ध जल आपूर्ति योजना का लाभ अब बुंदेलखंड के ललितपुर तक पहुंचना शुरू हो गया है। दीपावली पर्व के अवसर पर शुद्ध जल आपूर्ति का लाभ ले रहे 109 गांव में जलदीप महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा 9 नवंबर को आयोजित जलदीप महोत्सव में इलाके के लोगों को जोड़ने के लिए जागरूकता के आयोजन भी शुरू किए गए हैं। हर घर नल से शुद्ध जलापूर्ति वाले केंद्रों पर तैयार कराए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पानी की टंकी एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला की साफ सफाई के साथ साथ माटी के दीपक एवं बत्तियों की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री जी की जल जीवन योजना है वो, जिससे कि हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है, तो यहाँ वो पानी साफ होता है। तो वो कैसे साफ होता है, यहाँ बहुत सारी मशीनें हैं उनसे पानी साफ होता है। फिर लैब है जो उसमें पीएच मान, कैल्शियम, ये सब की जांच होती है। और क्या कहते हैं, पीएच मान का सही वो है 6.5 से 8.5 तक। ये हमारा जो कंपोनेंट है, ये हमारा 7 MLD का पूरा कंपोनेंट है, ठीक में हम जिसमें 7 मिलियन हम पानी हम सप्लाई करते हैं। और हम 55 LPCD, एक प्रति व्यक्ति को हम 55 लीटर पानी हम सप्लाई कर रहे हैं। और इसमें हम इस बदनपुर ग्राम समूह में हमने अभी हम 30 गांव को हम लगातार हम पानी दे रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हम जल्दी सबको हर घर में हर जगह हम पानी पहुंचाएंगे। इसमें सभी घरों में हम लोग को पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। ये नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग द्वारा हम लोग जनपद ललितपुर में 15 योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें से 560 गांव में पेयजल आपूर्ति की जानी है, जिसमें कि लगभग 4,500 किलोमीटर पाइपलाइन को डाला जाना है और लगभग 2 लाख घरों में हम लोगों को कनेक्शन दिया जाना है। इसमें लगभग हम लोगों का 85% काम पूर्ण हो गया है और हम लोगों ने 109 ग्रामों में हर घर जल प्रमाण पत्र भी ले लिया है।